जब हम देखते हैं, दो तरह के मैग्नेट है, एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है और दूसरा हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सेकंड वन है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को हम कहते हैं बार मैग्नेट। यानी मैग्नेट को देखा जाए, जो मैग्नेटिक फील्ड जिस बॉडी के गिर्द पैदा हो जाए इसको हम मैग्नेट कहते हैं। कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी जिसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो उसको हम मैग्नेट बोलते हैं। अब मैग्नेट की हमने दो टाइप्स रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट। अब सवाल ये है, कोई भी मैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या होगा? कोई भी मैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन देखने के लिए सबसे पहले अगर बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की, तो बेटा ओरस्टेड थ्योरी से हमें ये पता चला फर्स्ट टाइम, और उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके हमने ये प्रूव किया कि बेटा कोई भी हमारे पास करंट कैरियिंग वायर हो, कोई भी करंट कैरियिंग वायर हो जिसमें करंट फ्लो होता हो, जिसमें करंट फ्लो होता हो, तो बेटा करंट कैरियिंग वायर के गिर्द देखने में ये आया कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। चैट चेक कर ले, करंट कैरियिंग वायर के गिर्द क्या पैदा होती है? मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब बेटा ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है और मैट्रिक में ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों ने किया भी है। अब जरा गौर से देखें, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, और फ्लो ऑफ चार्ज मीन चार्जेस की मूवमेंट। इसका मतलब है चार्ज मूव करके जा रहे हैं तब करंट फ्लो। और जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है बेटा, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो बेटा इससे आप ये कह सकते हैं, कोई भी चार्ज बॉडी जब मूव करके जाएगी, चार्ज बॉडी जब मूव करती है उस चार्ज बॉडी के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जब भी कोई चार्ज बॉडी चार्ज मूव करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। बेटा लेट से ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट की वजह से फ्लो करते चार्जेस की वजह से, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से इसके गिर्द क्या पैदा हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। तो लिहाजा इस वायर को पर मैग्नेट कहेंगे। हर वो चीज जिसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो मैग्नेट कहलाए। अब ये वायर किस तरह का मैग्नेट होगा? इस वायर में जब तक करंट फ्लो होता है तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहती है। यानी जब चार्ज मूव करना स्टॉप कर जाए, करंट फ्लो होना स्टॉप कर जाए, पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाए। पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के गिर्द, ये जो वायर मैग्नेट है ये तब तक मैग्नेट है, तब तक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जब तक करंट है। लिहाजा इस वायर का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेट। सो जितने भी इलेक्ट्रो मैग्नेट हैं बेटा, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो होता है आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो होता है
आप उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसमें चेक करें कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो होता है, कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो होता है उसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं, बिकॉज करंट कैरियंग वायर के गिर्द क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक। तो पता चला बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है उसमें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इज द करंट। लिहाजा इलेक्ट्रोमैग्नेट में ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा हमारे पास, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। सो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसमें जो आपके पास सोर्स ऑफ करंट है वो क्या है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस या करंट कह सकते हैं। यानी हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उनमें मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, वो क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, वगैरह वगैरह। यहां तक बच्चों हमने कहा मैग्नेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब सवाल ये है जो परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है और वो क्या है। हमने कहा कि हमारे पास कोई भी वायर हो उसमें अगर करंट फ्लो हो जाए तो करंट कैरिंग वायर के गिर्द क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। अब हमने कहा करंट कैरिंग वायर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह क्या है, तो इनसाइड करंट की वजह है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड की वजह भी क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेटा जब भी किसी जगह चार्ज मूव करके जाता है तो उस जगह पर क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। लिहाजा उस जगह उस बॉडी को जिसके अंदर चार्ज मूव करता है, उस बॉडी को जिसमें करंट फ्लो होता है उसको आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के हवाले से आपका एक सवाल बनता है, आपके जहनों में डेवलप होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिरा लेट ही सवाल आता है, उससे पहले हम सवाल डेवलप कर लेते हैं वही वाला। बेटा बात यह है आपका सवाल ये बनता है सर कोई कंडक्टर ले ले, आपका सवाल यह है कि कोई कंडक्टर ले लेते, कंडक्टर में चार्जेस फ्री होते हैं, फ्री चार्जेस रैंडम मोशन में होते हैं, मूव तो कर रहे होते, कैन मूव करते चार्जेस के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो बेटा तो क्या ये इस कंडक्टर में जस्ट फ्री चार्जेस रैंडम मोशन में तो है, बैटरी अप्लाई नहीं, करंट फ्लो नहीं किया, तो क्या क्या कह रहा है, एक मिनट बेटा मैं देखता हूं। ये अब्दुल रफीक नाम से कौन गधा इसमें मौजूद है, मैं भी रिमूव करता हूँ पुत्र, और ये मैसेज जो तूने किया ना मैं देखता हूँ इसको, तुझे मैं ट्रेस करता हूँ। अच्छा इसने क्वेश्चन पूछा है, इसका क्वेश्चन है ने?
अच्छा जी बेटा, एक बच्चा फजूल क्वेश्चनिंग कर रहा था, उसको हटा दें। बच्चा फजूल क्वेश्चन कर रहा था तो उसको मैंने रिमूव किया है, इसलिए आपका थोड़ा टाइम लग गया। तो क्वेश्चन आपके जहनों में ये हो सकता है बच्चों कि ये वायर है, और सॉरी ये कंडक्टर है, वायर है, इसमें भी तो चार्ज रहते नहीं होते, मूव कर रहे होते, क्या ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, क्या इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो बेटा ऐसा नहीं है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। बिकॉज अच्छा फिर इसके गिर्द क्यों होगी? बेटा यहां हमने बैटरी अप्लाई की, तमाम चार्जेस यूनिट डायरेक्शनल फ्लो कर रहे हैं, यहां पर रैंडम मूव कर रहे हैं। बेटा इस चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इस चार्ज की मूवमेंट की वजह से उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, लिहाजा दो अपोजिट डायरेक्शन वाली मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर लेंगी, कैंसिल कर लेंगी, लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड। पता चला कि चार्ज जब भी मूव करे उस चार्ज के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। अब मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड रैंडम मोशन वाले चार्जेस की वजह से नहीं होगी, चूंकि रैंडम मोशन में इफेक्ट क्या कर देंगे, एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे। जब भी चार्जेस यूनिट डायरेक्शन में मूव करें तो एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की, तीसरे की, सारों की एक डायरेक्शन में होगी, वो एड अप होकर टोटल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस है, ड्यू टू यूनिट डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी जब भी चार्ज मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब हमारा सवाल ये है, जो परमानेंट मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, उनमें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उनमें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसमें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? क्यों बेटा, क्वेश्चन ये है, ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ। बार मैग्नेट ये जो परमानेंट मैग्नेट है वहां तो कोई बैटरी नहीं लगाते, वहां तो हम कोई करंट फ्लो नहीं करवाते, वहां तो बगैर करंट के मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां क्या सोर्स है? हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट जो करंट की वजह से जिसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। समझ आई बात कि उसमें मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है? तो बेटा जो परमानेंट मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, वहां तो करंट फ्लो नहीं करता, वहां तो कोई बैटरी अप्लाई नहीं है, तो वहां पर किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, वहां पर किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी? तो बेटा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या सूरत हाल होगी, इसका ओरिजिन क्या है, ये हम देखेंगे। यानी मेरा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हुआ डिस्कशन का, जिसमें हम जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन परमानेंट मैग्नेट, whereas origin of magnetic field in electromagnet is movement of charge. तो जी बेटा जी, हमारे पास अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के जवाब में। तो बेटा जब हम देखते हैं पहली बार कि हमारे पास लॉन्ग बार मैग्नेट को ले लें, अगर लॉन्ग बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो कुछ यूं होती है, लॉन्ग बार मैग्नेट में, लॉन्ग बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेटा, नॉर्थ से साउथ। क्या बेटा जिसने क्वेश्चन किया है मैग्नेटिक में क्या प्रोसेस है, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया,
इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में लिखें ताकि मैं इसको देख सकूं, इस मैग्नेटिक में प्रोसेस क्या है, ये भी बात नहीं समझ आई मुझे क्या पूछना चाह रहे हो आप। अच्छा बच्चों, मैंने बात ये करना चाहिए कि जो परमानेंट मैग्नेट है या बार मैग्नेट है, इसमें ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके जो आपके लिए हम जरा कंपेयर कर लेते हैं। तो जो सुनना बात, हम कंपेयर कर लेते हैं बार मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैंने एक लॉन्ग बार मैग्नेट लिया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से यू साउथ, नॉर्थ से यू साउथ, और ये मुड़ के साउथ से फिर नॉर्थ, इस तरह से आती है, नॉर्थ से शुरू होकर नॉर्थ में। इसी तरह ये मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी, ये मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी, ये लाइंस जाएंगी। नीचे मैं ड्रॉ नहीं करूंगा इसलिए कि नीचे एक और फिगर बनानी है। बेटा परमानेंट मैग्नेट में, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स को देखने के लिए मैंने एक लॉन्ग बार मैग्नेट लिया और मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल बनाई। इसी तरह बेटा लॉन्ग बार मैग्नेट के साथ हम अगर करंट कैरियिंग सोलेनाइड ले लें, करंट कैरियिंग सोलेनाइड बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जिसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। करंट कैरियिंग सोलेनाइड में भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन ऐसी होती है। बेटा जैसी सूरतयाल लॉन्ग बार मैग्नेट में है, वैसी सूरतयाल करंट कैरियिंग सोलेनाइड में ही है। लिहाजा इसका मतलब है कि करंट कैरियिंग सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड और लॉन्ग बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, लाइन सेम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो हमें पता है क्यों मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई सोलेनाइड में, लेकिन लॉन्ग बार मैग्नेट में क्यों पैदा हुई, ये हम इसको इसका जवाब ट्रेस करने जा रहे हैं। बेटा मैंने यहां पर ये कहा कि लॉन्ग बार मैग्नेट ले लें, वहां जो मैग्नेटिक फील्ड की सूरतयाल है लाइंस की, मैग्नेटिक लाइंस की, और सोलेनाइड ले लें, वहां जो लाइंस की सूरतयाल है दोनों में सेम है। अब सोलेनाइड का नाम पहली दफा सुना आपने, चैप्टर नंबर थर्ड में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये हमारे पास कोई कोर हो, ठीक है, नहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास कोई कोर हो, इस कोर के ऊपर, कोर से मीन कोई सिलेंड्रिकल शेप, हम कोई वायर वाउंड कर दे, कोई वायर लिपटा दे इसके ऊपर और उस वायर को बैटरी से लगा दे, ये सोलेनाइड है। ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं वायर चढ़ा दूं, वायर वाउंड कर दूं इसके ऊपर, तो बेटा इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगी, ये सोलेनाइड कहलाएगी। बेटा इस वायर के बाउंड होने की वजह से इसमें क्या, सॉरी बाउंडेड वायर को जब बैटरी से कनेक्ट किया तो क्या फ्लो होगा, करंट। इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इसके गर्द क्या पैदा हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, राइट एंड रूल लगाते हैं डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये बातें अभी जरूरी नहीं है बतानी आपको, बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा सोलेनाइड का नाम ने आप सुना है, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे, सोलेनाइड ये शहर, और इसमें करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है, लिहाजा सोलेनाइड क्या है फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनाइड क्या है फिर, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम जा रहे हैं यहां तक, आपने कहा करंट कैरियिंग सोलेनाइड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड लॉन्ग बार मैग्नेट दैट इज परमानेंट मैग्नेट, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल सेम है। चूंकि हमें करंट कैरियिंग सोलेनाइड का तो पता है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करंट है, बार मैग्नेट का नहीं पता, ट्रेस करना है। अब हमारे पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट हो, क्या हो, शॉर्ट बार मैग्नेट हो जिसमें हमारे पास लेट से ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो, तो शॉर्ट बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल क्या होगी, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल। लाइंस में कम लगाऊंगा ताकि आपको समझने में मसला ना आए। बेटा शॉर्ट बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल कुछ
कुछ इस तरह से होती है। इसी तरह बेटा हमारे पास करंट कैरियिंग वायर हो अगर, तो उस करंट कैरियिंग वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल कुछ यूं होगी, ये करंट कैरियिंग वायर है, ये नॉर्थ हो ये साउथ हो अगर, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल ऐसी होती। बेटा करंट कैरियिंग वायर में भी मैग्नेटिक फील्ड एक वायर हो या शॉर्ट बार मैग्नेट हो, सेम मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल होती है। मैग्नेटिक फील्ड की सूरत हाल सेम होती है उसमें। एग्जैक्टली लाइंस को भी मैंने आपके सामने रख दिया है। करंट कैरियिंग वायर में कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड रूल से, जो हमने डिस्कस करना है, लिहाजा यहाँ पे इतना ही काफी है। आपने कहा कि अगर आप शॉर्ट बार मैग्नेट ले लें, शॉर्ट बार मैग्नेट में और करंट कैरियिंग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल लाइंस की इमेज बनती है, जो मैग्नेटिक लाइंस की इमेज बनती है वो बिल्कुल सेम है, लॉन्ग बार मैग्नेट में और करंट कैरियिंग सोलेनोइड में सेम है, इससे हमें एक खास बात पता चलती है। देखें बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट, तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड हो, बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस, बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड हो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा अपनी वीडियो के हवाले से ध्यान क्या करें, 60-65 लोग देख रहे होते हैं आपकी वीडियो, जब ऑन होती है तो आप दिखाई देते हैं सबको, लिहाजा वीडियो का बहुत ख्याल रखें, ये दिखनी नहीं चाहिए। और दूसरा इश्यू, नेट का लोड बढ़ जाता है और उसकी वजह से, वीडियो की वजह से और उस वजह से हमारे आवाज भी हैंग होने लग जाता है, वीडियो भी हैंग होने लग जाती है, दोनों लिहाज से ये जरूरी है कि वीडियोस का ख्याल रखें आप, ठीक है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, ये स्क्रीन पे मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, सॉरी मैसेज जाके पढ़ने पड़ते हैं मुझे, तो बाकी तो मुझे नजर आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, सारा कुछ स्क्रीन सामने लगाई हुई है मैंने। तो बच्चों, अब इस सारी डिस्कशन से पता ये चलता है कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, तो कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो बेटा मिस्टर अम्पेयर ने लॉ भी पेश किया और अम्पेयर ने ये आइडिया दिया, अम्पेयर ने ये डिस्कशन की कि शायद ये जो आपके पास लॉन्ग बार मैग्नेट है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस ही हो। अम्पेयर ने ये आइडिया दिया इन चीजों को स्टडी करने के बाद कि लॉन्ग बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन मूवमेंट ऑफ चार्जेस ही होगा, जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट में है, चूंकि इनकी मैग्नेटिक फील्ड में सिमिलरिटी पाई जाती। बेटा जब अम्पेयर ने, तो से सुने बच्चों, जब अम्पेयर ने ये आइडिया दिया उस वक्त हम एटम के स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं थे, जब अम्पेयर ने ये आइडिया दिया उस वक्त हम एटम के स्ट्रक्चर से वाकिफ नहीं थे, और जब एटम के स्ट्रक्चर से वाकिफ नहीं थे बेटा, तो हमारे लिए ये मान लेना मुश्किल था कि बार मैग्नेट में भी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड। अम्पेयर की लाइफ में तो इस अम्पेयर के आइडिया को कोई खास पजीराई नहीं मिली। आइडिया क्या था उसका कि बार मैग्नेट में भी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, लेकिन इस आइडिया को कोई ज्यादा पजीराई नहीं मिली अम्पेयर की लाइफ में भी। बच्चे वीडियो ऑफ करें, क्या हो गया, होश करो यार, मत मारी भी आप लोगों। अच्छा, तो अब बेटा अम्पेयर की लाइफ में इस आइडिया को ज्यादा पजीराई इसलिए नहीं मिली कि उस वक्त हम चार्ज के उस
एटम के स्ट्रक्चर के बारे में वाकिफ नहीं, लेकिन जब एटम का स्ट्रक्चर पता चला तो हमें ओरिजिन यही मिला। आइए देखते हैं कि बार मैग्नेट में मॉडर्न थ्योरी को सामने रखते हुए क्या सूरत हाल है मैग्नेटिक फील्ड की। क्या ओरिजिन बनता है मैग्नेटिज्म का? इंतहाई इख्तसार के साथ यहां तक कर के अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पे जो डिस्कशन चल रही थी, उस डिस्कशन में हमने जो चीज करना चाहिए वो ये थी कि हम ये चाह रहे थे कि हमें पता चले कि जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन हमें पता है, करंट आर फ्लो ऑफ चार्जेस। फिर बेटा हमने कहा कि बार मैग्नेट और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट की सेम है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका ओरिजिन भी वही हो जो इसका है। इसका क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो बेटा इस आइडिया को एम्पेयर ने पेश किया था और आइए हम इसको जरा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं और इसकी रियल पिक्चर देखते हैं। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट। ठीक जा रही जी क्लास? बेटा अगर आप तवज्जो देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। क्या कितना रहता है? 10 मिनट के बाद ये वाली वीडियो सारी मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर हमने कंटिन्यू करना हुआ तो आपने फौरन ज्वाइन भी करना है 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए। दोबारा 5 मिनट बाद खत्म होगी, 5 मिनट बाद खत्म होगी बच्चों ये, तो उसके बाद फिर दोबारा ज्वाइन करना आप लोग। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बार मैग्नेट। बेटा बार मैग्नेट हो ना हो, मैग्नेट नॉन मैग्नेट हो, कोई भी मटेरियल है वो मैटर है। और आपको पता है मैटर कंपोज्ड है फ्रॉम एटम। इसका मतलब है कि हमें बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट भी मैटर है कंपोज्ड हुआ एटम से। इसका मतलब बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एटम से डेवलप हो। अब एटम के स्ट्रक्चर से हम वाकिफ थे, एटम का स्ट्रक्चर हमारे सामने है कि एटम में हमारे पास एक अदद अकलौता न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन साथ स्पिन भी कर रहे। इलेक्ट्रॉन बेटा स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सेस के गिर, स्पिन कर रहे हैं अपने, ये नजर पता नहीं आ रहा हो, स्पिन कर रहे हैं अपने एक्सेस के गिर और रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर। ऑर्बिटल मोशन है न्यूक्लियस के गिर, स्पिन मोशन है अपने एक्सेस के गिर। बेटा सबसे पहले ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा आपने कहा है और ये फैक्ट है, ये नेचुरल है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, चार्ज के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के गिर्द पैदा हर सूरत में होती है, मैग्नेटिक फील्ड बहरहाल पैदा होती है। बेटा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, एटम के अंदर मौजूद होते हुए रेस्ट पे तो होता नहीं है, अब ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो ऑर्बिटल मोशन की वजह से बाकायदा तौर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन तो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन, बल्कि हाँ थंब को मोशन की डायरेक्शन में रखें, जो फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन शो करेंगी,
मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली बात गौर से देखें, ये लेट से इलेक्ट्रॉन जा रहा है बेटा, थंब को इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन में रखें, कर्ल करें फिंगर को, जो फिंगर की डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन शो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ये लेट से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो ये थंब इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन में रखें, तो ये जो फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। लिहाजा इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, चूंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है उसके गिर्द क्या पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है, स्पिन मोशन भी कर रहा है। अब स्पिन मोशन एक ही टाइम पे साथ ऑर्बिटल भी है और साथ क्या है, स्पिन भी करता जा रहा है, ये पता नहीं नजर आएगा ही नहीं आएगा, एक ही टाइम पे स्पिन करता हुआ साथ साथ ऑर्बिटल कर रहा है, लिहाजा नेट एक ही डायरेक्शन है, चूंकि एक पार्टिकल एक टाइम पे दोनों मोशन कर रहा है, नेट रिजल्टेंट दोनों मोशन पे से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लिहाजा इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से उसके गिर्द क्या पैदा होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हर इलेक्ट्रॉन की, और नेट रिजल्ट दोनों मोशन की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं होगी, ऑर्बिटल की अलग नहीं और स्पिन, क्योंकि पार्टिकल एक है, सेम टाइम पे वो स्पिन भी कर रहा है, सेम टाइम पे वो ऑर्बिटल भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है, नेट रिजल्ट क्या होगा, एक दरमियानी जो दोनों की नेट फील्ड डायरेक्शन बनती है वो बनेगी। इसी तरह बेटा न्यूक्लियस क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इलेक्ट्रॉन की मोशन से तो आप बहुत ज्यादा वाकिफ थे दोनों मोशन से, यहां सिर्फ एडिशन ये हुआ कि मूव करने की वजह से गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जरूर पैदा हो। अब सवाल ये है न्यूक्लियस क्या कर रहा है, क्या न्यूक्लियस रेस्ट पे है या मोशन, और अगर न्यूक्लियस मूव कर रहा है तो न्यूक्लियस की मोशन किस तरह की है, मैं चाहूंगा इसका जवाब आप लोग दें, सवाल दोबारा सुन लें कि क्या न्यूक्लियस रेस्ट पे होता है या मूव कर रहा होता है, और अगर मूव कर रहा है तो मोशन किस तरह की है, ये दो सवाल है मेरे, जरा मैसेज में इसका जवाब लिखिएगा और जवाब दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। रेस्ट पे होता है न्यूक्लियस, एक जवाब ये बेटा जी, जल्दी बताइएगा, सोचिए बताइएगा, स्पिन मोशन मूव करता है, मोशन भी होता है, स्पिन मोशन रेस्ट का होता है, स्पिन मोशन रेस्ट, बता दें कर दे, रेस्ट स्पिन मोशन है, तो किस तरह की मोशन है, रेस्ट पे होता है, स्पिन मोशन होता है। अच्छा बच्चों, न्यूक्लियस आपकी इतला के लिए रेस्ट पे नहीं होता, मूव करता है। अब मोशन किस तरह की है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस की स्पिन मोशन है,